बिजनौर में 27 जनवरी को पेट्रोल पंप के मुंशी से चाकू की नोक पर 4 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बिजनौर के कीरतपुर थाना क्षेत्र के मालन नदी के पुल के पास पेट्रोल पंप के मुंशी से दिन दहाड़े 4 लाख की लूट को अंजाम दिया गया था। पेट्रोल पंप स्वामी के जरिए 27 जनवरी को थाने में लूट की एक तहरीर दी गई थी, जिसमें की पेट्रोल पंप के मुंशी महेंद्रपाल शर्मा से मालन नदी के पुल के पास से अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के जरिए 4 लाख की नकदी को लूट लिया गया था। इस लूट की घटना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुंशी से लूट की पूरी जानकारी ली। चाकू की नोक पर हुई इस लूट को लेकर पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने आज इस लूट के मामले में 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोनू सौरभ सोमकार, विजय अजय और देवेंद्र नाम के कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में शामिल 2 लुटेरे विनय और आकाश अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने लूटी गई रकम से 1,20,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। साथ ही पुलिस ने इस लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे की 2 बाइक और 2 चाकू बरामद किए हैं। 27 जनवरी को एक पेट्रोल पंप के मुरीन से 4,05,500 रुपये की लूट हुई है, थाना कीरतपुर अंतर्गत। उसमें आज 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 2 फरार हैं। 1,20,000 रुपये की बरामदगी है। इन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने से पहले कोतवाली थाना में एक मोटरसाइकिल चोरी की थी और उस चोरी की मोटरसाइकिल के साथ जो है इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अवैध तमंचे, चाकू, घटना में प्रयुक्त जो भी असलहे थे उसे बरामद कर लिया।